तो फ्रेंड्स, आज हम गवार की सब्जी बहुत ही अलग अनोखे स्पेशल अंदाज में बनाएंगे। अगर आप इस तरह से गवार की सब्जी बना लेंगे तो जो लोग नहीं खाते हैं वो भी खाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम गवार की सब्जी को कट कर लिया है और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, दो टमाटर लिए हैं और एक कप से थोड़ा कम मैंने मूँगफली के दाने भून लिए हैं और मिर्ची और लहसुन का पेस्ट कर लिया है, क्रश कर लिया है उन्हें। तो चलिए देरी किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो गवार की सब्जी कट किया है हमने उसे भून लेना है। उसे भूनने के लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही बढ़िया लगती है सब्जी खाने में, क्योंकि सुनहरापन आ जाता है। अगर आप कोई भी सब्जी इस तरह से पहले से भून लेंगे तो उसका टेस्ट जो है दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज आए तक का 3 से 4 मिनट तक का भून लूँगी हाई फ्लेम पे। तो चलिए मैं भून लेती हूँ उसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जी का जो कलर है वो चेंज हो गया है, यानी हमारी सब्जी को पूरा से पूरा फ्लेवर मिल जाएगा। तो इसको निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद हमारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा सब्जी बनाने का। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इस रेसिपी को इस अंदाज में अगर आप बना लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन सब्जी तैयार होगी। तो सबसे पहले जीरा, कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सी तड़कने देंगे। फिर हमने जो मिर्ची और लहसुन का पेस्ट लिया था उसको ऐड करेंगे। उसमें मैंने नमक भी डाला हुआ है, इसके लिए नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही एडजस्ट करिए। तो इसको थोड़ा मिक्स करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए मिक्स हो गया है, ये अभी फ़िलहाल मीडियम फ्लेम पे मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ। और हमने जो प्याज कट करके रखा हुआ था वो भी ऐड करेंगे। इसको ज़्यादा पिंक कलर नहीं करना है, बस हल्का थोड़ा सा गल जाए इतना ही भूनना है। तो मसालों में थोड़ा सी भून लूँगी, फिर हमें टमाटर भी ऐड करना है। तो ये देखिए हल्का सी कलर चेंज हुआ है, ज़्यादा हमने नहीं किया है। और अब इस स्टेज पे हमें ऐड करना है टमाटर, जो बारीक कटे हुए मैंने कट कर लिया था वो ऐड करेंगे। टमाटर इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे क्योंकि मैंने नमक पहले ही ऐड कर दिया था मिर्ची और लहसुन के साथ ही। अब क्या करना है, सूखे मसाले भी ऐड कर लेंगे। सूखे मसालों के बिना तो ये मसाला बनेगा नहीं, सब्जी में टेस्ट आ नहीं पाएगा। तो चलिए मसाले भी ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सी हल्दी पाउडर लेना है। कोई भी अगर मसाला आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए आप एक ही मेजरिंग लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितना मसाला लेना है। तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया है और धनिया पाउडर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है अदर मसालों से ज़्यादा। तो रेड चिली पाउडर लिया है मैंने, तीखा भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और थोड़ा सी मैं रेड कश्मीरी चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। इसको तो ऐड कर सकते हो वरना आप स्किप भी कर सकते हो, ऑप्शनल है। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, आपके पास जो भी गरम मसाला है, सब्जी मसाला है, चिकन मसाला है, वो ऐड कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसमें। इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और मसालों को अच्छे से भूनना है ताकि तेल जो है थोड़ा बहुत तेल छूट जाए और हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भून जाए। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला नीचे से जले ना, अच्छे से भून जाए सारा कुछ। तो चलिए इसको 2 मिनट के लिए भून लेती हूँ और मसाला हमारा अच्छे से भून जाएगा तो हमारी सब्जी भी बढ़िया बनेगी। तो यहाँ पे हमारा मसाला भून गया है और हमने इसमें ऐड करना है, हमने जो फ्राई करके रखा हुआ था गवार की सब्जी, उसको ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। यानी हमारी सब्जी का जो टाइमिंग है वो बहुत ही कम हो गया है क्योंकि हमने गवार की सब्जी को भी फ्राई कर लिया और मसाले को भी अच्छे से भून लिया है। यानी हमें 3 मिनट और लगेगा, 3 मिनट में ये सब्जी रेडी हो जाएगी। इसको थोड़ा सी पानी ऐड करना है, उसी बर्तन में ऐड कर लेती हूँ जिसमें मैं गवार की सब्जी निकाल के रखी थी, और अच्छे से भून लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए बढ़िया सा मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा सी नमक भी ऐड करेंगे, आप देख लीजिए अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि नमक मैंने पहले ही ऐड किया हुआ है, आपको बताया है तो फिर से बता दे रही हूँ, नमक थोड़ा सा ही ऐड किया है मैंने। अब इसको मिक्स करेंगे, ये मिक्स हो जाए तब हमें इसमें 3 मिनट के लिए इसको पकाना है।
3 मिनट के लिए हमें इसको ढक के पका लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मीडियम फ्लेम पे हमें इसको पकाना है। तो यहाँ पे 3 मिनट हो गए हैं, तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत ही बढ़िया सब्जी बनकर रेडी हो गई है। अब इसमें हमें जो मूंगफली को मैंने कूट लिया था इमाम दस्ते में, थोड़ा थोड़ा वो बारीक भी है, थोड़ा जाड़ा भी है, एक मुंह में बाइट आएगी तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। अगर आप चाहो तो मूंगफली के जो दाने हैं उसको मिक्सी में भी चला सकते हो, मिक्सी में पाउडर बन जाता है, इसके लिए मैंने इसको इमाम दस्ते में ही डायरेक्टली कूट लिया है। और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगता है। यही मेन इंग्रेडिएंट्स है इस गवार की सब्जी में, इसके लिए इसको लास्ट में ही ऐड करना है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहो तो इसको रोटी, चपाती, तंदूरी नान के साथ इंजॉय कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों। आप लोग इस तरह से ज़रूर ट्राई करो एक बार, आप दूसरी सब्जी खाना भी भूल जाओगे। तो कैसी लगी है ये गर्मा गर्म गवार की सब्जी? आई होप कि आप लोग को बढ़िया लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना।